जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हम आपके गुणगान करें। वैसे तो गुणगान कर ही नहीं सकते अगर पूरा समंदर शाही बना लें और पूरी धरती पेपर बना लें और पूरे पेड़ पेन बना लें, तब भी हम गुरु जी का गुणगान नहीं कर सकते। फिर भी जो छोटी मोटी एफर्ट हम तुच्छ बंदों से होती है हम कर लेते हैं, क्योंकि गुरु जी की जब तक गुणगान ना करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरा गुरु सबसे ज़्यादा उत्तम, अच्छा और दयालु है। आज मैं गुरु जी की जितनी भी महिमा गाऊं, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू सिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेज ऑफ माय गॉड। और आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में इतनी सेलिब्रेशंस क्यों होती है, इतने पर्व क्यों आते हैं? जन्माष्टमी, फिर उसके बाद गणेश जी का आएंगे, फिर नवरात्र आएंगे और फिर दिवाली, कभी गुरु पूर्णिमा आती है। क्यों आते हैं ये त्यौहार? इसलिए कि आई थिंक वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी। भगवान किसी ना किसी तरह चाहता है कि हमारे दिमाग में ये रहे कि हमें शुक्राना हर स्टेप पे करना है। और इन त्यौहार के माध्यम से हम उन भगवान को याद करते हैं जिन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है, एंड वी हैव नो टाइम इवन टू से थैंक यू टू आर डियर लॉर्ड। शिव पुराण में चैप्टर 35 में लिखा है कि भगवान का दूसरा नाम भरोसा है। पर क्या हम भरोसा करते हैं भगवान के ऊपर? द पर्सन, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, क्या हम उनको याद करते हैं? क्या हम उन पे भरोसा करते हैं? इजंट इट आयरोनिकल कि डॉक्टर जब हमें मेडिसिन देता है तो हम बिना क्वेश्चन किए वो दवाई खा जाते हैं, ये भी नहीं पूछते कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो हमने कभी नहीं क्वेश्चन किया कि ड्राइवर का नाम क्या है। पर यहाँ हम हर बात पे सबूत चाहते हैं कि गुरुजी हैं कि नहीं हैं, और हम दूसरों से पूछते हैं आपके साथ मिरेकल हुआ, क्योंकि वी वांट रीअश्योरेंस कि अगर आपके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी पक्का होगा। पर शिव पुराण में लिखा है कि ऐसे भरोसा नहीं पाया जाता है। भरोसा कैसे पाया जाता है गुरुजी का? वो है थ्रू सिमरन, सत्संग एंड मेडिटेशन। ऑफ कोर्स सेवा इज़ पार्ट ऑफ दैट मेडिटेशन। सत्संग में जब हम जाते हैं तो हम बिल्कुल लीन हो जाते हैं भगवान में, और होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सत्संग में फिजिकली जा रहे हैं और मेंटली हमारा दिमाग कहीं और है, बिकॉज दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। जब हम बिल्कुल समर्पण कर देते हैं गुरु जी को तो तभी गुरु कृपा हम पे बरसने लग पड़ती है। गुरु जी हमेशा कहते थे, और गुरु जी का आई थिंक बिगेस्ट रिग्रेट भी यही रहा है कि मैं कहता हूँ लोगों कि मैं महाशिवा, पर कोई मनो नो तैयार ही नहीं हैगा। और तभी बार बार गुरु जी कहते थे कि अपने शूज़ के साथ अपने डाउट्स रख के आओ, अपनी ईगो बाहर रख के आओ। आई थिंक आंट वी सो लकी कि हमें हाईएस्ट यूनिवर्सिटी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड में एडमिशन मिली है, और उसका नाम है शिव यूनिवर्सिटी। उसके सामने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज, ये सब फीके पड़ जाते हैं क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज की यूनिवर्सिटी है। हमें एडमिशन मिली है, हम बहुत नालायक हैं, आई डोंट थिंक वी डिज़र्व टू बी इन दैट यूनिवर्सिटी। पर मेरा रोम रोम ये बार बार ये शब्द कहता है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। गुरुजी जन्मों से भटक रहे हैं, तो अगर आपकी शरण में आए हैं तो हमें
आपके साथ ही रहना है, और मेरे को इतना भरोसा है, पढ़ा भी है, सुना भी है, कि एक बारी शिव हाथ पकड़ ले तो शिव हाथ नहीं छोड़ते, हम शायद छोड़ दें, क्योंकि हम अभी भी बहुत फिकल माइंडेड हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे बता रही थी कि मेरी जर्नी काफ़ी साल पहले शुरू हुई, और धीरे 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 बहुत हमारी संगत बढ़ती गई। मैंने आर्यमन का जिक्र किया, एक फिज़िकली चैलेंज चाइल्ड हु इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड टू गुरुजी, इनफैक्ट गुरुजी उसके साथ बैठते हैं, उसको बताते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जब आर्यमन नया नया जुड़ा, उसकी मम्मी शी वॉज पास्ट 40 ईयर्स, तो एक दिन उसने हंस के कहा कि मम्मी गुरुजी कहंदन कि ऐते मैं फिजिकली चैलेंज चाइल्ड मैं तैन देता है, बट नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेस योर मदर विथ अनदर सन। अब उसकी मम्मी ने जब ये सुना तो वो उनसे कहा, आर्यमन डोंट टॉक लाइक दैट, अब इस बुढ़ापे में मैं थोड़ा बच्चा पैदा करूँगी। एंड व्हेन शी टोल्ड अस अबाउट द विजन ऑफ आर्यमन, वी ऑल स्टार्टेड लाफिंग, हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है। बट संगत जी, गुरु जी के दरबार में तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। अब गुरु जी ने बताया है तो वो तो फिर पत्थर की लकीर है। एंड आफ्टर 2 मंथ्स आंटी रियलाइजेज दैट शी इज़ प्रेगनेंट। अब जी डॉक्टर के चक्कर लगने लग पड़े और उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन नॉट अबॉर्ट दिस चाइल्ड बिकॉज आपकी एज ऐसी है कि इट विल बी क्वाइट डेंजरस। चलो जी, प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए ऑर्डर हुए। तो एक दिन आर्यमन हंस के कहता, मामा गुरुजी कहते हैं हूँ एक नहीं देना, मैं 2 मुंडे देने। अगेन आंटी गॉट अ हार्ट अटैक, शी सेड व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम क्यों ये बार बार गुरुजी क्या बताते हैं। और संगत जी, आपने भी बहुत सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लेसिंग सन्स, और एक नहीं देते थे गुरुजी, ट्विंस देते होते थे। तो अब फिर डॉक्टर को दिखाया गया एंड डॉक्टर कन्फर्म्ड कि आंटी इज़ कैरिंग ट्विंस। अब आंटी वॉज वेरी अपसेट क्योंकि आर्यमन इज़ ऑल्सो नॉट वेल, और 2 बच्चों का भार वो कैसे सहन करेंगी। तो उन्होंने कहा कि आर्यमन गुरुजी से अरदास करो, ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा भाई ये तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने दिया है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी और 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द गायनी टोल्ड आंटी कि एक फीटस डैमेज हो गया है, एक बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। अब तो जो हमारी आंटी थी शी वॉज़ वेरी अपसेट। तो आर्यमन ने कहा नहीं, गुरु जी ने मेरे को बोला है कि मम्मी ने बोल कि दिल्ली जाए, भोपाल में डिलीवरी नहीं करवानी, द डिलीवरी विल टेक प्लेस इन दिल्ली। इमेजिन संगत जी, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि गुरुजी डायरेक्ट्स यू, ये भी बताते हैं कि कहाँ आप सेफ़ हो, कहाँ आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। मतलब गुरुजी इतने दयावान और इतने कंसिडरेट हैं। तो आंटी को ऑर्डर मिला कि आप दिल्ली जाइए, एंड यहाँ की गायनी ने भी कह दिया आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कि मैं नहीं हैंडल करती क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, एक फीटस लिविंग है और एक डेड है, सो इट्स आई कैनॉट हैंडल, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। सो आंटी फ्लू टू दिल्ली। अब मज़े की बात यह है कि एम्स में गायनी थी, उन्होंने चार्ज लिया और ड्यू डेट आ गई। ऑफकोर्स इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट आर्यमन बार बार कह रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कुछ नहीं होएगा, आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपकी लाइफ को कोई डेंजर नहीं है और बच्चे की लाइफ को भी डेंजर नहीं है। मेरे को अभी तक याद है कि डॉक्टर ने ड्यू डेट दी थी 21 अक्टूबर, पर आंटी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो आर्यमन ने कहा कि नहीं, आज मेरे को गुरुजी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए बच्चा 12th अक्टूबर नो होएगा। एंड संगत जी, बिलीव मी, गायनी वॉज सेइंग कि नहीं ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने सिजेरियन करना है और मैं दिवाली के बाद ही करूँगी, बट गुरुजी के आगे किसकी चलती है। और आंटी ने अपना गुरुजी का लॉकेट अपने हाथ में रखा, ओम नमः शिवाय का जाप किया और बोला कि मैं तो 12th को ही करवाऊंगी क्योंकि मेरे गुरुजी का ऑर्डर है। एंड बिलीव यू मी, वो डॉक्टर कहती कि
इट्स एन अमेजिंग थिंग कि एक डेड बच्चे ने आपकी बॉडी को पॉइजन नहीं किया, दो द बेबी वॉज लाइंग इन योर वूम फॉर 5 months और दूसरा बेबी बहुत हेल्दी था. एंड व्हेन द बेबी वॉज बॉर्न, द बेबी बॉय वॉज बॉर्न, उनका नाम हमने शिवम रखा और उनके माथे पे बहुत बड़ा ओम बना हुआ था. तो ये क्या है? ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या हो सकता है? ऐसे ही भोपाल में एक यंग कपल है जिन उनमें से अंकल की जो दोनों किडनीज हैं वो फेल हो गई. अब बहुत पैनिक सिचुएशन थी क्योंकि क्या किया जाए, यहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था. तो फिर हम भागे भागे आर्यमन के पास जाते हैं बिकॉज ही इज़ अ प्योर सोल. ना वो किसी से मिलता है, ना किसी से बात करता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते सी जड़ा निंदक करता है, ABC, एब्यूज, ब्लेम और क्रिटिसाइज. जिन बंदों में ये भरा हुआ है वो मेरे पास नहीं आ सकते, उनको एडमिशन मिल ही नहीं सकता. तो कहीं ना कहीं संगत जी हमारे में अभी भी वो शॉर्ट कमिंग्स है. वी आर नॉट दैट प्योर सोल्स, हम दूध के धुले हुए नहीं हैं. तो आर्यमन जो है वो प्योर सोल है बिकॉज वो कभी इंटरेक्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं करता. तो मेरे को वो कबीर जी की बात याद आ जाती है कि निंदक रखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं अपने पास. क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म काट देते हैं, वो हमारे जो बुरे कर्म हैं अपने ऊपर ले लेते हैं. पर आर्यमन तो प्योर सोल है, उसका कोई निंदक हो ही नहीं सकता. तो भागे भागे उसके पास गए भी क्या करना चाहिए. तो उसने कहा कुछ नहीं होगा अंकल को, अंकल का ऑपरेशन होगा और 16th August ही गिव्स द डेट्स ऑल्सो संगत जी, 16th August को अंकल ठीक ठाक वापस भोपाल आ जाएंगे. एंड बिलीव मी, मैं गुरुजी के सामने बता रही हूँ आपको, कैलेंडर में नोट किया गया और 16th को राहुल अंकल और उनकी वाइफ वॉज द डोनर, उन्होंने अपनी किडनी दी थी. एंड इट वॉज़ अ मेजर ऑपरेशन. बहुत बीच में तो कई बार डॉक्टर्स कहते थे कि देर इज़ नो होप, पर आर्यमन बहुत स्टडी था. उसने कहा आंटी अपने गुरु पे भरोसा रखो, गुरुजी नहीं कुछ होने देंगे अंकल को. और आज 1 साल से ऊपर हो गया है, टचवुड, अंकल हैज़ रिज्यूम्ड हिज ड्यूटीज़, वो जा रहे हैं ऑफिस. इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है संगत जी, कि गुरुजी के मिरेकल्स हम हर स्टेप पे देख रहे हैं. पर कहीं ना कहीं मन डोल जाता है जब अपने पे कृपा नहीं होती, तो सोचते हैं नहीं ये तो एग्जैजरेटेड बात है. यहीं पे आके हम मात खाते हैं क्योंकि गुरुजी कहते सी कि जब तक तुसी मेरे ते भरोसा नहीं करोगे तो मैं किस तरह तुहाडे को लावांगा. गुरुजी का एक, गुरुजी ने बहुत लोगों को भी बताया था कि यहाँ के लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाना चाहते. पर संगत जी अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग हो जाएं तो हमारी ये डेली डिमांड्स, डेली नीड्स ही ख़त्म हो जाएंगी. हम लोग भटके हुए सोल्स हैं, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा सुकून है, इनमें ज़्यादा फेम है, नेम है. बट नो, आज मैं जितने भी गुरु परिवार से बात करती हूँ सब यही कहते हैं कि देर इज़ अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी. अब मन करता है कि गुरुजी के सत्संग सुनते रहो, और सत्संग भी इतने बढ़िया बढ़िया हैं. कल ही कर्नल शास्त्री का मैं सुन रही थी कि एक बारी गुरुजी ने सत्संग रखा ब्यास नदी पे, बहुत बड़ी संगत आई. और गुरुजी आपको मालूम ही है कि गुरुजी वॉज अ डोटिंग फादर. आई थिंक हमारे पेरेंट्स इतनी केयर नहीं करते, वो एक दो बारी पूछेंगे खाना खाया कि नहीं खाया. पर गुरुजी के दरबार में चले जाओ और आपको पेट क्या, पेट से भर के खाना ना मिले, ये हो ही नहीं सकता. तो वहाँ पे सत्संग हुआ, शब्द वाणी हुई और उसके बाद गुरुजी ने कहा भाई लंगर लगाओ. अब एक सेवादार ने आके धीरे से गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो आटा नहीं आया, चपातीज़ नहीं बनी, बाकी सब कुछ तो तैयार है. अब गुरुजी उठे करते बस इतनी सी बात है, नेवर माइंड, ही गॉट अप और वो किचन हाउस गए. और संगत आई विटनेसेस जो वहाँ खड़े थे उन्होंने बताया कि बहुत बड़े पतीले में
गुरु जी ने हाथ मारे, तेज हाथ मारे और चपातीस बन के बाहर आने लग पड़ी और सब संगत ने पेट भर के खाया। अब जब लंगर प्रसाद हो गया तो थोड़ी देर में पता चला कि आटे का ट्रक आ गया है। तो गुरु जी ने कहा ये आटा सारा ब्यास नदी में डाल दो। तो उन्होंने कहा क्यों? तो गुरु जी ने कहा क्योंकि मैंने ब्यास नदी से आटा उधार लिया है, ये मामूली चीज़ें नहीं हैं। गुरु जी जादूगर नहीं थे, गुरु जी परफॉर्मर नहीं थे, गुरु जी मैजिशियन नहीं थे, गुरु जी परमात्मा थे। और तभी कभी वो सचखंड का लड्डू आ जाता था, कभी मिश्री आ जाती थी, बिकॉज ही हैड द पावर, ही इज़ द ओनर ऑफ द होल यूनिवर्स। उनमें कॉस्मिक एनर्जी है, वो ज्योत हैं। गुरु जी क्यों पाँव दबवाते थे? कई लोगों ने कहा कि ये कैसे गुरु हैं, हमेशा पाँव दबवाते रहते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन किया गुरु जी से कि गुरु जी तुसी पैर दबवाते हो बहुत। तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी है कि अगर मैं वह एनर्जी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करूँगा, ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो आप कभी भी ब्लेस्ड फील नहीं करोगे। सो गुरुजी वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ एवरीथिंग, बस मांगने की देर थी और ह्यूमिलिटी, नीचापन। तो सत्संग, शब्द वाणी कितनी प्यारी है, ये शब्द की कब गल लाओगे, ये मेरे को सच में कई बारी मैं सोचती हूँ गुरुजी हमें कब आप अपने गले लगाओगे। आपने बहुत लोगों को जब चोले में थे आप उनके साथ बैठते थे, उठते थे, हंसते भी थे। तो ये एक कसक मन में रह गई है कि मेरा परमात्मा ही सो स्माइलिंग एंड एवरीबडी सेज ही वॉज सो हैंडसम कि गुरुजी के फेस से नज़रें नहीं हटती थी। तो ये एक कसक रह गई कि काश हम भी गुरुजी के दरबार में होते, चाहे बाहर ही होते। पर गुरुजी ने किसी ना किसी माध्यम से हमें जोड़ा है और ये हमें याद रखना चाहिए कि गुरुजी कहंदे सी कि जड़े अमीर हैं वो कारां विच मेरे को लानगे और जड़े गरीब हैं मैं उन्होंने कार खुद जावांगा। और ये सच बात है कि मैं अपनी एक सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी एक हेल्पर हैं जो बहुत पुअर हैं बेचारी, एंड शी हैड क्राइसिस। उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो उन्होंने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट कर दिया कि ये मेरे को मदर इन लॉ बहुत तंग करती हैं और डाउरी मांगती हैं। तो पुलिस केस बन गया। तो वो भागी भागी मेरे पास आई कि मैडम जी मैं क्या करूँ। तो आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड आप कितनी बारी सत्संग में आए मेरे घर में, आपको मालूम है कि आपको कौन तारेगा? तो उन्होंने कहा गुरु जी अब, मैंने कहा बस आप मंत्र जाप करो, लॉकेट पहने रखो और ओम नमः शिवाय बोलो। बोलो गुरु जी आपने ये निपटारा करना है, मेरे को नहीं पता ना मैं पढ़ी लिखी हूँ। एंड बिलीव मी पुलिस आई, उसको थाने लेके गई, पर सडनली दे चेंज देयर वर्जन। उन्होंने डॉटर इन लॉ के ऊपर केस बना दिया, ना कि मेरी हेल्पर के ऊपर बनाया। तो ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस जो होते हैं, दिस इज़ अ सटल वे ऑफ टेलिंग कि बच्चे हुन समझ जा, मैं तेनों किन्ने नज़ारे दिखा रहा पर तू नहीं मान रहा, तो फॉल्ट किसका है? फॉल्ट तो हमारा ही है। थोड़े दिन पहले, अबाउट फ्यू मंथ्स बैक, मैं मार्केट से आ रही थी और मेरे साथ एक और आंटी बैठी हुई थी, एंड आई थिंक आई वॉज ड्राइविंग वेरी सेफली। अब मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मुझे आज तक नहीं पता कि क्या हुआ, पर मेरा हेड लॉन्ग कोलिशन हुआ विथ एन ऑटो। और ऑटो में तीन पैसेंजर्स बैठे हुए थे, वो ऑटो टर्टल किया और उसमें पैसेंजर्स जो थे दे गॉट हर्ट। पर आप मानेंगे नहीं, मेरी कार में काफ़ी डैमेज हुआ, पर गुरुजी ने मेरे को फूलों की तरह निकाला। मेरा एक नेल भी नहीं टूटा संगत जी। और उससे ज़्यादा आपको मालूम है कि जब ये गरीब लोग का एक्सीडेंट होता है तो एक मॉब मेंटालिटी होती है कि अटैक करो कार वाले पे। तो मेनी पीपल गैदर्ड, तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर समबडी कम्स, और हमारे आर्मी के ही थे कर्नल बख्शी, और जो बहुत रेयरली मेरे को मिलते हैं,
वो एकदम उन्होंने कार स्टॉप की, उन्होंने कहा मिसेस बावा आपका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हाँ। कहते आप मेरी कार में बैठो क्योंकि मॉब का जो एटीट्यूड है ठीक नहीं है। एंड ही जस्ट टुक मी अवे। मेरे को नहीं पता चला क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ मेरी कार में ज़रूर शब्दवाणी चलती है और गुरु जी का स्वरूप है। और ये गुरु जी कहते थे कि जातवी तुसी किधरे जानते हो, क्या करो गुरु जी मेरे नाल चलो तो मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा। हम ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम अपनी ईगो में इतने मस्त होते हैं कि हु कैन सेव मी, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। क्योंकि मेरा परवरदिगार इतना बड़ा है, वो ही सब देने वाला है, करने वाले है, करता धरता वही है। तो एक विश्वास, हम कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? आज आपको मालूम है कि जन्माष्टमी है, कितने कितने लोग कृष्ण भगत हैं, कितने गणेश जी के भगत हैं। तो कई लोग गुरु जी से पूछते थे कि गुरु जी मैं तो साई नो मंगनिया या मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ, तो मैं आपको कैसे मानूँ, बिकॉज़ मेरे को ऐसे लगता है कि मैं बिट्रे करूँगी अपने भगवान को। एक ये बिट्रे वर्ड कि मैं अपने भगवान को धोखा दे रही हूँ, ये गलत है। क्योंकि हमारे मन में फियर नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए। जैसे वी हैव लव फॉर आर फैमिली मेम्बर्स, सिमिलरली ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही लव्स अस, वी ऑल्सो हैव टू लव हिम। और एक चीज़ और कि जब आप पेड़ को पानी डालते हैं तो उसकी सब ब्रांचेस को पानी जाता है, सबको नरिशमेंट मिलती है। सिमिलरली अगर आप शिव को याद करते हो तो ऑटोमेटिकली हम देवी को भी याद कर रहे हैं, हम साईं को भी याद कर रहे हैं, हम हनुमान जी को भी याद कर रहे हैं। क्योंकि रुद्र रूप जो शिव का है वो हनुमान जी तो हैं, ये सारे रूप गुरु जी के हैं। गुरु जी ने एक संगत को दिखाया भी था बड़े मंदिर में, किचन में ले जाके, कि देख आपका खाना कौन बना रहा है, लंगर प्रसाद कौन बना रहा है, ये सब देवियाँ बना रही हैं। एंड शी डिड हैव दर्शन ऑफ ऑल द देवीज़। और एक चीज़ और, प्रसाद कितना प्यारा वर्ड है, प्रसाद मीन्स गिफ्ट। हमें ये गिफ्ट मिल रहा है, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारे घर में वैसे कोई गेस्ट आता है तो हम ये नहीं कहते चाय प्रसाद लोगे, हम कहते हैं चाय लोगे, पानी लोगे। पर जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं या गुरु जी के पास होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये अमृत बन जाता है, ये प्रसाद बन जाता है। इसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, क्यूरेटिव पावर्स होती हैं, ये हमें क्योर कर देता है। यहाँ तक कि बहुत संगत जो गुरु जी के साथ थी, गुरु जी ने उनको बताया था कि मेरा पानी अगर मेरे स्वरूप दे साम, अगर एक लोटा पानी मेरे स्वरूप दे आगे रखो और उसमें अपना लॉकेट डिप करो या इवन ओम नमः शिवाय का जाप भी करो तो वो अमृत बन जाता है। अब इतने फॉर्चुनेट हम हैं कि हमें एक छोटे वे में अमृत मिल रहा है, आंट वी ब्लेस्ड संगत जी। तो इस प्रभु के तो समझ नहीं आता कि कैसे गुणगान करने हैं, शायद हमें इतनी तमीज़ भी नहीं है, इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि कैसे अपने प्रभु के साथ लीन हो जाएं। तड़प तो बहुत है पर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बहुत बहुत अभी त्रुटियां हैं, अभी बहुत अपने आप को पॉलिश करना है। गुरु जी कहते सी ना, तुहाडा अंदर दा पांडा बहुत मैला है गया। यस वी हैव नॉट क्लेंस्ड आर माइंड्स। हम बाहर बहुत डेक्ड अप रहते हैं, खूब मेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर अंदर जो सोल है, बिकॉज बॉडी विल रिमेन हियर, आर सोल इज़ गोइंग टू मर्ज विद द अल्टीमेट पावर विद आर गुरु। तो वो सोल को पॉलिश करना, साफ करना, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके लिए हमें एब्सोल्यूट सरेंडर करना है, उठते बैठते। ये एक डेलिब्रेट एफर्ट नहीं होनी चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 11 बजे पूजा करती हूँ। हमने ये टाइम फिक्स क्यों किया? गुरु जी तो मेरे साथ 24 आवर्स रहते हैं, तो मैं कौन होती हूँ गुरु जी को टाइम अलॉट करने के लिए? नो, आई एम एट द मर्सी ऑफ माई लॉर्ड। मेरे भगवान मेरी ही आत्मा में बस जाने चाहिए,
और मेरे मन में उठते बैठते ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए, तभी तो मेरे को परमात्मा मिलेंगे, तभी तो मैं गुणगान करूँगी। तो अपना भांडा साफ करना तो हमें ज़रूर चाहिए ही है, दैट वी शुड डू इट। और एक बात और, जो गुरुजी को चीज़ें नहीं पसंद थी, आई थिंक वी शुड रिफ्रेन, हमें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी बहुत प्यार से समझाते थे कि व्रत का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी छोड़ दो, नहीं, आप फास्ट करो फ्रॉम अब्यूज़, फास्ट करो बुराई से, आप दूर रहो इन बुराइयों से जो आपकी पर्सनालिटी को हैम्पर करते हैं, जो आपको ग्रो नहीं करने देते, उसको असली फास्ट मानते हैं। क्योंकि जानवर भी बहुत बारी भूखा रहता है, पर उसको भगवान तो नहीं मिलता। हमें भगवान को पाने के लिए हमें इस तरह का तप करना है कि वी बिकम ब्यूटिफुल सोल्स, गुड सोल्स, हैप्पी सोल्स, और हर वक्त शुक्राना करते रहें। क्योंकि शुक्राना गुरुजी इसलिए कि आपने हमें चुना, शुक्राना इसलिए कि हमें पेन दी, हमें ये दिन दिखाए ताकि हम आपका गुणगान कर सकें, आपकी वैल्यू जान सकें, हम ये भी समझ सकें कि वी आर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ यू माई लॉर्ड माई गुरुजी। और गुरुजी कहते सी कि सब तो वड्डा ग्रंथ हैगा शिव पुराण या लाइट ऑफ डिविनिटी, जिसकी हिंदी वर्शन है दिव्य आबा। तो संगत जी, ये टाइम बेस्ट टाइम है जब हम गुरुजी की किताबें पढ़ें, गुरुजी के बारे जानें, गुरुजी के सत्संग सुनें, सिमरन करें, सेवा करें, तो फिर मौजा ही मौजा होंगियाँ, कोई भी हमें नहीं रोक सकता, और हमें किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन टू वन कनेक्शन विद माई डियर लॉर्ड। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना, जाने अनजाने में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हों विच आई वॉज नॉट सपोज टू से, आई एम सॉरी गुरुजी, अपना बच्चा जान के माफ़ कर देना। बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाई, और आगे जो त्यौहार आ रहे हैं गुरुजी, हम सारे गुरु परिवार मिलके खुश रहें, और जो दुखी हैं उनको भी आप ब्लेस करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।